तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास नाइन्थ के लिए सीबीई सेशन 2024-25 की वर्कशीट नंबर 9 के सॉल्यूशन को। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। मैथ की तैयारी के लिए अलग से प्लेलिस्ट देख लेना। लास्ट सेशन के मिड टर्म पेपर के लिए कमेंट को देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट पेपर देखकर तैयारी कर सकते हो विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के। ओके, तो हमें गद्यांश को पढ़ना है, पढ़कर आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, आप ध्यान से पढ़ लेना। ओलंपिक खेल के बारे में बताया गया है सीधा जो क्वेश्चन पर, ठीक है, जो हमें करना है, क्योंकि बहुत सारी वर्कशीट है, वर्कशीट 12 तक प्रोवाइड की गई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का इतिहास किस देश से जुड़ा हुआ है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एथेंस, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ जाओगे, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में वे खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं जो अपने देश में डैश प्रदर्शन करते हैं, तो औसत ये भी रहोंगे, सामान्य ये भी रहोंगे, खराब ये भी रहोंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा घा, बेहतरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन हो जाएगा महाद्वीपों की आपसी एकता का, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया इसका आंसर, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया इसका आंसर, ठीक है। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, विधिवत रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई, गलत है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया कब हुई थी, यहाँ पर बताया गया है 19वीं शताब्दी में, ठीक है, तो पहला रॉन्ग हो गया। अगला है, ओलंपिक खेलों का एक बड़ा उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ाना है, तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सम्मान, आपसी भाईचारा, मित्रता, विश्व में शांति बनाए रखना, साथ ही एकजुट रखना, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग है, ठीक है। अगला, ओलंपिक खेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, दूसरी सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर बच्चों चारों ऑप्शन रहोंगे, यहाँ पर होना था पहला, दूसरा और तीसरा, गलत है, ठीक है, ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर सही जगह गलत होता तो तीसरा ऑप्शन लगा देते, फिलहाल आप अलग से लिख लेना कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत है, ठीक है। तो फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर का राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 में घा राइट है, क्वेश्चन नंबर 3 में का ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 में चारों गलत हैं, ठीक है, लिख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गलत हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।